हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड मिड वाइफरी एंड गार्निकोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा आज का और अगस्त 2019 का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का स्टाइल हमेशा की तरह सेम रहेगा टाइम होगा इसमें थ्री आर आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और एम मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स होते हैं सेवेंटी मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एग्जिस्ट यहाँ पर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं यानी कि आपको चूज करना है कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा तो एक एक मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन होगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एग्जिस्ट ऑफ द फिटस एंड द लॉन्ग एग्जिस्ट ऑफ द यूट्रस इन इज़ नॉन एज तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं एटीट्यूड लाइव पोजिशन एंड प्रेजेंटेशन तो आपने वन टिक करना है और एक मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा सेकेंड है इसमें द ग्रेटेस्ट डेंजर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन ठीक है या फिर प्रोलेपस ऑफ फूट हो सकता है प्रोलेप ऑफ कोड हो सकता है आर्म हो सकता है या फिर लेबर हो सकती है नेक्स्ट आता है प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड ठीक है प्री मेच्योर सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा में तो प्लेसेंटा सेंटर प्रीविया होगा या फिर अबॉर्शन प्लेसेंटा होगा प्लेसेंटा सॉरी एजोरीटा होगा या फिर प्लेसेंटा इन क्रिटा होगा तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डार्क वर्टिकल लाइन ऑफ द ऑफ द पिगमेंटेशन सीन इन द सेंटर ऑफ द एबडामन ऑफ द पेगनेंट वुमेन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इन्हें हम जो एक डार्क लाइन जो है वो प्रेजेंट होती है प्रेगनेंट वुमेन के एबडोमन पर उसे हम uh, या तो स्ट्रे ग्रेविडा डर्मा बोलेंगे या फिर लाइना नाइग्रा बोलेंगे या फिर लेंगोगा या फिर क्लोजमा फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम नॉर्मली टेक प्लेस जो फर्टिलाइजेशन होती है ओवम को वो कहाँ पर होती है कॉर्पसलूटियम में इंटरस्टिशियल एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब या फिर एम्पीला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब या फिर फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर चूज द राइट एंड रॉन्ग इन द फलोइंग स्टेटमेंट ठीक है आपने यहाँ पर राइट right है या रोंग है ये आपने बताना है स्टेटमेंट दी हुई है आपको इन प्री नेटर डेवेलपमेंट ग्रोथ इज मोर रैपिड इन थर्ड ट्रिमिस्टर, सेकेंड इसमें द रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फिटस टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज लाई या फिर फर्स्ट फिटल मूमेंट इज कॉल्ड एज लाइटनिंग कंजनाइटल एनॉमलीज आर एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ या फिर एनसेफली इज कम्प्लीटेड और पार्शल एबसेंस ऑफ स्कल तो आपने यहाँ पर राइट और रॉन्ग बताना है एक एक मार्स का क्वेश्चन होगा ये इसके बाद इसमें द ब्लैंक्स आ जाएंगे द ब्लैंक्स uh, एक एक मार्क्स क्वेश्चन होंगे द मेटर्नल सरफेस ऑफ द प्लेस एंटर कंटेन डैश लूब्स द बाई पेरेटल डायमीटर नॉर्मली मेजर अबाउट डैश द क्रीमी सबस्टांस ऑन द न्यू बॉर्न इज नोन एज डैश एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लिक्विड अमीनो इज द यूट्रज कॉल्ड डैश एंड गोल्डन कलर अम्योनिटिक फ्लूड इंडिकेट डैश तो एक एक मार्क्स क्वेश्चन होगा ये नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा राइट शॉर्ट नोट एनी फोर के नहीं चार पर आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं पोलिहाइड्रोमेसिस है ऑब्सट्रक्टिव लेबर है यूट्राइन फाइब्रॉड है प्रोलॉन्ग लेबर है एंड इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आई यू जी आर या फिर फीमेल इनफर्टिलिटी पाँच पाँच मार्क्स का क्वेश्चन होंगे लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फाइव है टेन मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक और कोई भी चार आप इसमें से कर सकते हैं ऑप्शन आपको दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिफाइन प्लेसेंटा डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड वर इज फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा नेक्स्ट है डिफाइन एल एस सी एस वट आर द इंडिकेशन ऑफ एल एस सी एस एंड नर्सिंग केयर प्लान आप कैसे बनाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें डिफाइन द नॉर्मल लेबर एंड स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर और मैनेजमेंट कैसे करेंगे सेकेंड स्टेज की नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर क्वेश्चन नंबर फोर है डिफाइन अबॉर्शन क्लासीफाइड टाइप एंड सेप्टिक अबॉर्शन इन डिटेल क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर व्हाट आर द डिफरेंट सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड राइट द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट अंडरगोन गोन मस्टेक्टमी क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट आर द एम ऑफ द एंटरनेटल केयर एंड वट एडवाइस टू बी गिवन टू द प्रेगनेंट वुमेन तो ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका तो इस क्वेश्चन पेपर को आप थ्री आर में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग